कैनवस पर ही ऑयल पेस्टल कलर्स, यस लेट्स गो। ऐसे तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, लेते हैं हीट गन और ग्लव्स। वो मैजिक। और मास्क अब चाहिए होगा, कुछ गोल्डन शाइनी से फॉलो कर लेते हैं। मीट शाइनी, थैंक्स फॉर द गोल्डन स्प्रे शाइनी। यस, इस टेक्निक एक्सपेरिमेंट आइडिया में चाहिए होंगे थोड़े से स्प्रे कलर्स, अगर आपके पास नहीं है तो आप एक्रिलिक यूज कर सकते हो। आप ट्रेसिंग पेपर इसके ऊपर रख देंगे क्योंकि हीट गन की चले जैसे हवा हमारे कलर उड़ सकते हैं। अब ये ऑयल पेस्टल कलर्स ऑयल की तरह हमारे कैनवस पर चिपक चुके हैं। ये टेक्निक तो एकदम सही जा रही है, बट रिजल्ट आपको एंड में देखने को मिलेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो एंड तक देखनी है। कैनवस को कर दिया है ब्लू और ये वाले कलर्स लेकर आपको दे दिया है छोटा सा क्लू, तो आप गेस कर सकते हो कि क्या बनने वाला है। इस एक्सपेरिमेंट को करते करते मुझे पता चला ये बिल्कुल वैसा इफेक्ट देगा जैसे रेजिन होता है, तो हम बना रहे हैं यहाँ पर एक समुद्र। मैं सच बता रही हूँ, ये इतना ज्यादा सेटिस्फाइंग है ना। तीसरा हम ट्राई कर रहे हैं, कैनवस को छोटा कर दिया और कलर्स बहुत सारे ले लिए। जैसे जैसे और जितना ज्यादा हम इस टेक्निक को ट्राई कर रहे हैं ना, फिनिशिंग आती जा रही है। वो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस बारे में ना ट्रांजिशंस कर लेते हैं, बट बनाने में उतना ही टाइम लगा है। टाटा, तैयार है। ये नोकी टेक्निक कैसी लगी, आप ट्राई करो, कमेंट करके बताना। ओके, बाय।